Hello and very good morning to all. Welcome to the class. This is our daily current affair news analysis, and we are covering the important news from 25th and 26th December. So let's get started and see what are the important takeaways. Make sure that you follow me on this Telegram channel to get access of all the information here. अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन आप घर बैठे कर सकते हैं इस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे आपकी जीएस और ऑप्शनल की पूरी प्रिपरेशन इंक्लूड है. द फी इज़ 55,000. यू कैन गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट बाय यूजिंग दिस कोड. यहाँ पे 10% को आपको और डिस्काउंट मिल जाता है और पूरी प्रिपरेशन इंक्लूड हो जाती है, जिसमें आपके नोट्स एक्सेट्रा देगा. स्टार्ट करते हैं जीएस पेपर टू के रिगार्डिंग जो न्यूज़ है. यहाँ पे पॉवर्टी की फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी. ये देखिए, ये जो न्यूज़ आई है ये किस के रिगार्डिंग है. यहाँ पे ये जो स्टडी इन्होंने इंडिकेट की है, ये हो रहा है जो एज को इंक्रीज किया जा रहा है ना, 18 ईयर्स से 21 ईयर्स किया जा रहा है ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर, जो आपका अमेंडमेंट किया जा रहा है. ये मैटर हालांकि अभी रेफर कर दिया गया है कमेटी को, लेकिन इसके ऊपर डिबेट बनी हुई है कि क्या फ़ायदा होगा. और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो बेनिफिट गवर्नमेंट ने बताया वो क्या है, सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट है. सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात की जा रही है, जैसे एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए वो आगे बढ़ सकती हैं, हेल्थ इंडिकेटर्स, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, इनके कमी देखने को मिलेगी. ओवरऑल वुमेन एम्पावरमेंट को भी इंडिकेट किया जा रहा है, उनका लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ने का भी एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है. तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं ये इंटेंडेड हैं इस पूरे इशू को. ये जो अमेंडमेंट वाला इशू है इसे हमने डिटेल में लिया हुआ है. ओके, दो बार हम इसको कवर कर चुके हैं. यहाँ पे हम केवल इस स्टडी की बात करेंगे, ये क्या इंडिकेट करना चाहते हैं. देखिए, यहाँ पे एक पूरी स्टडी में एक इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट है जिसको आप ध्यान रख सकते हो, नोट कर सकते हो, है ना, क्योंकि ये काफ़ी काम में आ जाएगा आपके. क्या यहाँ पे मेंशन किया गया, ये कह रहे हैं कि नाइन ऐसे आपके स्टेट्स हैं जो लो परफॉर्मिंग स्टेट हैं, स्पेशली हेल्थ इंडिकेटर्स के रिगार्डिंग. जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, झारखंड है, बिहार है, फाइन, उत्तर प्रदेश है तो उत्तराखंड भी है, मध्य प्रदेश है तो छत्तीसगढ़ इज़ ऑल्सो देयर. ये इन स्टेट्स को आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, राजस्थान इज़ ऑल्सो देयर एंड उड़ीसा. ये 9 स्टेट ऐसे हैं जिसमें ऑलमोस्ट 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज़ देयर, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन. अब यहाँ पे क्या है, क्यों इन स्टेट्स को हमने मेंशन किया है, द रीज़न इज़ दैट कि ये जो स्टेट्स हैं 62% मैटरनल जो डेथ हो रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. 62% 72% जो under 5 डेथ हैं, under 5 जो मॉर्टेलिटी है 5 साल से कम वाले बच्चों की, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. एंड ऑलमोस्ट 70% ऑफ इन्फांट मॉर्टेलिटी रेट आ गया. ठीक है, इन्फांट मॉर्टेलिटी रेट पर 1000 मेजर किया जाता है और ये पर 1 लाख होता है ना. मैटरनल मॉर्टेलिटी जो होता है ये हम पर 1 लाख पे मेजर करते हैं. तो ऑल इंडिया के लिए अगर हम देखें तो 113 है, 113 है, लेकिन इन 9 स्टेट्स के अंदर कितना है, 161. तो ये बहुत ज़्यादा आपको गैप देखने को मिल रहा है. तो ये जो डेटा यहाँ पे स्टडी में पब्लिश किया है, इससे आप क्या ध्यान रख सकते हैं, इससे आप इसको यूज़ कर सकते हैं. कोई भी केस स्टडी है, कोई भी आंसर्स हैं ना, स्कीम इम्प्लीमेंटेशन है, पॉवर्टी एलिविएशन है, हेल्थ है, एजुकेशन के रिगार्डिंग, कि इन स्टेट्स के अंदर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है. ओके, टारगेटेड इंटरवेंशन की ज़रूरत है. अब बात करते हैं ये स्टडी क्या कह रही है. ये स्टडी कह रही है कि यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर हैं, सोशियो इकोनॉमिक कुछ फैक्टर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन है, ओके, एक्सपोजर टू ए कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एंड पॉवर्टी. ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपका डिसाइड कर रहे हैं किस चीज़ को, कि जो बर्थ होगा वो मेडिकल फैसिलिटी में होगा या नहीं होगा, मतलब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होगी या नहीं होगी. इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी किसी भी मेडिकल फैसिलिटी में हो रही है, ये सुपरविज़न हेल्थ केयर प्रोफेशनल के सुपरविज़न के अंडर हो रही है, तो उससे क्या होता है, सेफ्टी बढ़ जाती है, सेफ होता है, मदर और चाइल्ड दोनों के लिए अच्छी बात है. तो उस पर्सपेक्टिव में इसको बात किया जा रहा है कि ये कुछ फैक्टर्स हैं, पॉवर्टी, एजुकेशन, और ये अगर आप बढ़ाएंगे तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इंक्रीज, ये इसके चांसेस इंक्रीज होंगे. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस आइडिया को अपोज करेंगे 18 ईयर ही रहना चाहिए, 21 ईयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा चल रहा है ना,
इशू कि नहीं 18 साल से 21 साल नहीं करना चाहिए, इसमें इसके पक्ष में भी हैं काफ़ी लोग। ओके, डेफिनेटली मेजोरिटी इज देयर, मतलब जो वुमन ग्रुप्स हैं या गर्ल्स हैं। अभी एक रिसेंट एक और न्यूज़ है, आज के पेपर में आप देखेंगे, जहाँ पे एक, आई एम नॉट गेटिंग द नेम, एक पंचायत की तरह है, गर्ल्स पंचायत है, मतलब गर्ल्स वहाँ पे पूरी वो हैं, वो और वो इस आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। दे आर बेसिकली सपोर्टिंग दिस आइडिया कि हाँ ये इंक्रीज की जा रही है एज, और जो इस आइडिया को अपोज कर रहा है, ओके वी वॉन्ट सपोर्ट देम इन द पोल्स एंड ऑल। ओके, तो इसका सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, एक बहुत बड़ा चेंज होगा। लेकिन ये जो चेंज आ रहा है यहाँ पे, डेफिनेटली पहले आपको सेंसिटाइज करना होगा लोगों को, इसके बारे में बताना होगा, उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, अदरवाइज़ फिर इतना स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, चीज़ें उतनी सही नहीं रहेंगी। यहाँ पे इन्होंने ये हाईलाइट किया, जैसे एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है ये वाला, इसके अलावा एक और एग्जांपल दिया गया कि यहाँ पे अगर कुछ ऐसी गर्ल्स, ऐसी वुमन जो कि हायर एजुकेशन जिन्होंने लिया हुआ है ना, एजुकेशन, हायर एजुकेशन लिया हुआ है, या जिनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंपैरेटिवली बेटर है इन कंपैरिजन टू अदर वुमेन जिनके पास में एजुकेशन नहीं है, नो एजुकेशन, तो ये कंपैरिजन किया गया और ये पाया कि जिनके पास बेटर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, दे आर मोर लाइकली टू डिलीवर इन अ हेल्थ फैसिलिटी। ठीक है, तो एजुकेशन एक बहुत बड़ा प्राइम फैक्टर हो गया कि अगर बेटर एजुकेशन देते हैं तो डेफिनेटली द वुमन विल बी मोर लाइकली टू डिलीवर इन अ हेल्थ फैसिलिटी, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हम डील कर सकते हैं। ये पूरी स्टडी इन्होंने कहा, और कुछ और इश्यूज इन्होंने बताया कि कौन से बैरियर्स हैं ना, और कौन से बैरियर्स यहाँ पे हो सकते हैं। एजुकेशन एंड एक्सपोजर टू कम्युनिटी हेल्थ वर्कर टू स्कोर हायर देन एज ऑफ मैरिज, मतलब एज ऑफ मैरिज इज अगेन वन ऑफ द फैक्टर, क्योंकि कमिटी की रिपोर्ट थी, उसने पूरा स्टडी करके ये बताया। लेकिन इसके अलावा, एज ऑफ मैरिज के अलावा और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे रोल प्ले कर रही हैं। ये कुछ एग्जाम्पल तो हमने देख लिए, एजुकेशन है, पॉवर्टी है, एक्सपोजर टू कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जैसे आशा वगैरह हो गई, इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो इसके एक्सेस को रोक रही हैं, बैरियर्स क्या हैं। इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन बैरियर एक बहुत बड़ा है, कॉस्ट एक मेजर फैक्टर है, फैसिलिटी ही बंद रहती है, हॉस्पिटल है लेकिन खुलता ही नहीं है वहाँ पे आप जाएंगे इमरजेंसी टाइम में, ट्रस्ट इश्यूज आर ऑल्सो देयर। ओके, ये कुछ बैरियर्स हैं जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के अंदर रहते हैं। ये बैरियर्स आप किस कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रख सकते हो, मान लीजिए कोई केस स्टडी है जहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है, सो यू कैन मेंशन दीज कुड बी द बैरियर्स, क्योंकि इन्होंने पूरी स्टडी करके आइडेंटिफाई किया है कि ये मेजर बैरियर्स हैं और इन बैरियर को कैसे रिमूव करते हैं, वहाँ पे भी आपके काम है। नेक्स्ट मूव करेंगे जीएस पेपर 3 पे, तो दिस इज रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में है और एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। देखिए, कश्मीर के अंदर इंडिया में जितने भी एप्पल्स हैं, ये जितने भी एप्पल हम प्रोड्यूस करते हैं, 70% तक एप्पल्स कश्मीर में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 70%, इंडिया के 70% एप्पल्स कश्मीर में प्रोड्यूस होते हैं। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, ईरान से जो कीवी इंपोर्ट किया जा रहा है, ईरान से जो कीवी का इंपोर्ट हो रहा है, उसकी जो पेस्ट है वो इन्फेक्ट कर रही है हमारे एप्पल्स को, इंडियन एप्पल्स को वो इन्फेक्ट कर रही है। यहाँ पे ये पूरा इन्वेस्टिगेशन उठाया गया, इंडिया ने इस इशू को ईरान के अंदर हाईलाइट भी किया है कि आप इस इशू को डील कीजिए, इस पूरे इशू को देखते हैं क्या है। देखिए, इंडिया क्या कर रहा है, ईरानियन जो कीवीज हैं उनको इंपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान से, और यहाँ पे एक कंटेजियस क्वारंटीन पेस्ट है जिसकी वजह से थ्रीट कॉज हुआ है। यहाँ पे टू क्वारंटीन पेस्ट जो है, इसको हाईलाइट किया है इंडिया की तरफ से, नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में वर्क करता है। फाइन, तो इन्होंने ये पूरा देखा कि ये दो आपके मेजर पेस्ट हैं जो कीवी के शिपमेंट्स के अंदर देखे गए हैं, मतलब जो कीवी आ रहे हैं ईरान से इंडिया में, उनमें ये पेस्ट देखी गई है। और ये पेस्ट क्या कर रहे हैं, हमारा जो लोकली हार्वेस्टेड जो एप्पल्स हैं उनको ये इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो जो लोकल फार्मर्स हैं या जो लोकल ट्रेडर्स हैं, वो इसको हाईलाइट कर रहे हैं कि हमारे जो सेब के बागान हैं ये ख़राब हो सकते हैं, पूरा हॉर्टिकल्चर जो प्रोड्यूस है ये फिनिश हो सकता है, इस इशू को आप फटाफट से डील कीजिए। तो इस इशू को इंडियन गवर्नमेंट ने हाईलाइट किया और उठाया ईरान के पास में कि आप इस इशू को देखिए इस तरह से ये है, क्योंकि जो WTO के प्रोविजंस है उसके अंदर फाइटोसैनिटरी मीजर्स है। फाइटोसैनिटरी मीजर में क्या होता है, कोई भी आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या इस तरह से है तो उसमें ये जांच होती है कि कोई पेस्ट वगैरह तो नहीं आ रहा है, अगर ऐसा कुछ है तो फिर उसको बैन किया जा सकता है।
ये फाइटो सैनिटरी जो सर्टिफिकेट्स हैं इंडिया में कौन इशू कर रहा है? एनपीपीओ इशू कर रहा है, नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर में वर्क कर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में वर्क कर। तो दिस इज़ द थिंग। इसके अलावा एक और इशू इन्होंने हाईलाइट किया है कि आप क्या कर रहे हैं, ईरान हमें जो है ये एप्पल्स भी लीगली जो है भेज रहा है, इशू ऑफ इंपोर्ट ऑफ ईरान फ्रेश एप्पल इलीगली एंड अनलॉफुली इंडिया के अंदर भेज रहा है इन द ट्रेड नेम ऑफ अफगान एप्पल्स, को मिस यूज़ किया जा रहा है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं अपने जो एप्पल्स हैं उनको अफगान एप्पल के नाम से ये ब्रांड करके यहाँ पर भेज रहे हैं, जबकि है वो ईरान का प्रोडक्ट। तो ये इशू भी एक हाईलाइट किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है जीआई टैग सॉर्ट फॉर पाम लीफ ड्राइंग्स एंड चीज प्रोडक्ट्स एंड टॉयज। तो यहाँ पे तीन मेजर जो है आर्ट्स हैं, या ऐसा समझिए कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए जीआई प्रोडक्ट जो है ये चाह रहे हैं। जीआई प्रोडक्ट में क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इन्हें कहा जाता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है, एक तरह का साइन होता है, जैसे आपने देखा कि ये जो साइंस हैं, जैसे आप देख रहे हैं कांगड़ा टी है, दार्जिलिंग की टी होती है, नागपुर का संतरा हो गया, मालाबार की ये काली मिर्च है। तो ये जगह से नाम किससे जुड़ा हुआ है, किसी प्रोडक्ट का जगह से जुड़ा हुआ है। तो उनको क्या दिया जाता है, ये जीआई एक टैग दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि ये जो नाम है जैसे नागपुर ऑरेंज है एंड ऑल, तो ये नाम केवल वही यूज़ कर सकते हैं जो उस पर्टिकुलर एरिया में अगर प्रोडक्ट हो रहा है इस तरीके से, या कोई आर्ट एंड क्राफ्ट वहाँ पर बना रहे हैं आप लोग, तो स्पेशल ज्योग्राफिकल ओरिजिन उस प्रोडक्ट का होना चाहिए, जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं, उसकी रेपुटेशन होती है उस जगह की वजह से। फाइन, तो उनको क्या दिया जाता है, जीआई टैग का ये साइन दिया जाता है, और ये डब्ल्यूटीओ की जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है उसके अंदर इंक्लूड है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, कोई भी आपका क्रिएशन हो गया माइंड का, जैसे किसी ने किताब लिखी, कोई बुक, कोई म्यूजिक कंपोज किया, तो उस पर वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई। अब उसको प्रोटेक्शन करने के लिए जो है आईपीआर दिया जाएगा, तो इनके ऊपर क्या दिया जाता है, कॉपीराइट दिया जाता है। कॉपीराइट दिया, किसी ने कोई नई दवा खोजी, वैक्सीन जैसे अभी किसी ने नई बनाई, तो उस पर पे पेटेंट दिया जाता है। तो पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के टाइप हैं। इसी तरह से एक है जीआई टैग। तो इसको किस में इंक्लूड किया गया है, इसको डिफाइन किया गया है ट्रेड रिलेटेड ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रिप्स एग्रीमेंट। इसका डेफिनेशन है, और जो हमने एक्सप्लेन किया है बेसिकली उसी को ये कहना चाह रहे हैं कि पर्टिकुलर एक ज्योग्राफी से उसकी स्पेशल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, ज्योग्राफिकल ऑरिजिन शुड बी देयर, जो रेपुटेशन है एंड ऑल। इसी को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि इंडिया, देखिए इंडिया भी आपका डब्ल्यूटीओ का मेंबर है, इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने क्या किया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स ये एक्ट पास किया 1999 में। 2003 में ये एक्ट एनफोर्स होता है, और पहली बार दार्जिलिंग टी जो है ये इंडिया का पहला जीआई टैग प्रोडक्ट बनता है, फर्स्ट जीआई टैग प्रोडक्ट इंडिया का बनता है दार्जिलिंग टी। और बहुत बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये जो आपको दिख रहा है, इस तरह का सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है ना, बाई रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये आपको दिखेगा रसगुल्ले का है, दिया हुआ है रसगुल्ले का है। तो दिस इज़ द थिंग। उड़ीसा को दिया गया है ना रसगुल्ला, उड़ीसा का ये जी आई टैग है, दिस मच यू शुड नो। और यहाँ पे जी आई टैग मिल गया, तो किसी दूसरी जगह पे अगर वो प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे नागपुर के संतरे की हम बात करें, और संतरा पूरे इंडिया में होता है, कहीं पे मान लीजिए राजस्थान में हो रहा है, तो उसको नागपुर के संतरे के नाम से आप नहीं बेच सकते, वो इलीगल नहीं होगा। तो ये एक बेनिफिट दिया जाता है। अब हम आते हैं इस न्यूज़ पे, ये जो न्यूज़ है ये क्या कह रहा है, ये यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने एप्लीकेशन दिया है किस चीज़ के लिए, सावंतवादी वुडन क्राफ्ट, ये ध्यान रखना है आपको, सावंतवादी वुडन क्राफ्ट। इसके क्या होते हैं, टॉयज होते हैं जो बहुत फेमस है, फॉरेन के अंदर म्यूजियम में रखे हुए हैं क्राफ्ट, सावंतवादी। ये क्या है, महाराष्ट्र के अंदर है, और ये जो आर्ट एंड कल्चर है ये बहुत फेमस है, अपने टॉयज के लिए फेमस है ना, स्पेशली जो वेजिटेबल फ्रूट्स इनके टॉयज होते हैं, बहुत बिल्कुल देखने में ओरिजिनल से लगते हैं।
और ये किससे बनाते हैं, वुड जो होती है मैंगो ट्री से बनाते हैं, मैंगो ट्री से ये बनाते हैं और बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर रहे हैं। ब्रिटिश मोनार्क को गिफ्ट में दिए गए, विक्टोरिया आल्बर्ट म्यूज़ियम लंदन के अंदर इनको रखा हुआ है, प्रिजर्व किया हुआ है। तो ये चाह रहे हैं कि हमें भी जो है GI टैग दिया जाए जिससे हमें भी ये बेनिफिट मिले। क्लियर, इसका प्रमोशन होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, इनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ सकता है। तो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स, एक तो ये हो गया। सेकंड यहाँ पे क्या है, यू हैव दिस उधमपुर कलादी। ओके, उधमपुर कलादी एक तरह की मिठाई आप कह सकते हो, दिस इज द थिंग, एक तरह की क्यूजीन है, डोगरा क्यूजीन है जम्मू के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर में, स्पेशली जम्मू रीजन में, दिस इज अ काइंड ऑफ क्यूजीन ये है। और किससे ये बना रहे हैं, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेसिकली ये फेमस है और डेयरी ये इसमें प्रोडक्ट है एक तरह का, इसमें मिल्क यूज़ कर रहे हैं, काउ बफेलो शीप मिल्क को यूज़ किया जाता है। एक तरह की क्यूजीन हो गई उधमपुर कलादी, वैसे नाम से आइडिया लग जाएगा आपको यहाँ। और थर्ड एक और है जो कि तालपत्रा पोथी चित्रा, थर्ड है उड़ीसा का, जो ये चाह रहे हैं कि को भी GI टैग दिया जाए, दिस वन। ये क्या है, एक तरह से पाम लीफ के ऊपर आपने ड्राइंग्स की हुई है ना, पाम लीफ एनग्रेविंग्स हैं और इसे नाम दिया गया है तालपत्रा पोथी चित्रा, दिस इज अ काइंड ऑफ पाम लीफ एनग्रेविंग, ये उड़ीसा से बिलोंग कर रहा है। GI टैग मिलेगा तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, बट स्टिल यू शुड बी अवेयर क्योंकि ये न्यूज़ के अंदर हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ें ध्यान रखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए GI इंडिकेशंस का, किस तरह से देते हैं, इंडिया ने कौन सा ये किया हुआ है। बाकी रही बात GI टैग्स किन किन को दे रखा है, सारे GI टैग तो आप याद नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे हैं, एंड जो न्यूज़ में रहते हैं उनको आप ध्यान रख लीजिए। नेक्स्ट आते हैं, ये एक न्यूज़ हमारे पास थी और इसमें क्या बात की जा रही है कि इंडिया और चाइना का जो ट्रेड है वो 100 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। बट वी आर टॉकिंग हियर, हाँ GI टैग बिल्कुल मिल जाता है इसमें, ऐसा नहीं है। देखिए GI टैग आपका किसी भी आर्ट एंड क्राफ्ट को मिल जाएगा, कोई क्यूजीन है उसे मिल जाएगा, ठीक है, या फिर हम बात करें कोई आर्ट है, जैसे हमने देखा था पोचमपल्ली कट है, कोई साड़ी वगैरह हो गई, इस तरह सबको दिया जाता है। यहाँ पे ये क्या न्यूज़ है, ये न्यूज़ है इंडिया चाइना के बारे में, ट्रेड के बारे में, वैसे इसको इंटरनेशनल रिलेशन में आप जोड़ेंगे IR के अंदर, क्या बात की जा रही है, IR का ये टॉपिक हो जाएगा। द थिंग इज़ दैट इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड है इस कैलेंडर ईयर में जनवरी 2021 से नवंबर 2021 में, ये आपका 100 बिलियन क्रॉस कर चुका है और 100 बिलियन से काफ़ी ऊपर, $114 बिलियन पे आ गया है। ठीक है, और शुरू में हमारी जब शुरुआत हुई थी 2001 के अंदर, जब शुरुआत हुई थी तो ये 1.83 बिलियन था, $1.83 बिलियन ओनली, फाइन। तो अभी ये $114 बिलियन पहुंच गया है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट कि लद्दाख के अंदर जो सिचुएशन, लद्दाख में जिस तरह की सिचुएशन अभी प्रिवेल कर रही है, वहाँ पर इंडिया और चाइना का ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है। आप देखेंगे कभी भी किसी भी कैलेंडर ईयर के अंदर, यहाँ पे ये फाइनेंशियल ईयर का डेटा है, फाइनेंशियल ईयर का डेटा भी आप देखोगे, अगर कैलेंडर ईयर की हम बात करें, या यहाँ पे कैलेंडर ईयर का आप डेटा देखिए, 90 बिलियन मैक्सिमम है, और वो भी तब है जब हमारे जो रिलेशन थे चाइना से बहुत ही, मतलब एक कॉर्डियल रिलेशन थे, है ना, कोई ऐसा बहुत बड़ा वो इशू नहीं था। लेकिन अभी आप देखोगे पिछले 2 साल से लद्दाख में कंटिन्यूअसली टेंशन चल रहा है, दोनों की सेनाएं आमने सामने, फिर भी ये जो चाइना से इम्पोर्ट है इंडिया का वो कम नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ हमें क्या दिखा रही है, ये जो डेटा है हमें क्या बता रहा है, ये डेटा हमें ये बता रहा है कि हमारी जो डिपेंडेंस है, क्या है डिपेंडेंस है चाइना पे, वो बनी हुई है। क्यों? क्योंकि देखिए आप कितना ज़्यादा क्राइसिस सिचुएशन है, हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान भी लॉन्च कर दिया, फाइन, सेल्फ रिलायंस के लिए, बट स्टिल द इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना, चाइना से जो इम्पोर्ट है इंडिया का, वो इंक्रीज होता जा रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे जो डेटा है उसको अगर यहाँ पे देखते हैं, तो ये टोटल जो बाइलेटरल ट्रेड है अभी 11 महीने का ही है, 114 बिलियन से और ऊपर चला जाएगा, 114 बिलियन है। इसमें इंडिया ने एक्सपोर्ट कितना किया है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है चाइना को वो केवल और केवल 26 बिलियन है, और इंडिया ने इंपोर्ट कितना किया है, दिस इज $87 बिलियन,
आप देखिए इंपोर्ट हम कितना ज़्यादा कर रहे हैं, 87 बिलियन का इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट कितना कम है। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा, फाइन वैल्यू वाइज जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, वो ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ वो 61 बिलियन डॉलर है और ये और इंक्रीज होगा, 61 बिलियन डॉलर है। तो हमेशा से आप देखेंगे कि हमेशा से ट्रेड डेफिसिट बना हुआ है, बना हुआ है, लेकिन ये ट्रेड डेफिसिट अब बढ़ गया है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है। तो क्या चाइना के साथ ट्रेड करना इंडिया की मजबूरी है? क्या हम चाइना पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हैं? और अगर ये डिपेंडेंसी है तो इसे कैसे कम किया जा सकता है? ओके, दीज आर सम ऑफ द आइडियाज जहाँ पे आपको क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। हालांकि आत्मनिर्भर भारत अभियान हमने लॉन्च किया है, ये एक सही रास्ता भी है, मेक इन इंडिया को भी हम पुश कर रहे हैं, बट स्टिल दीज थिंग्स विल टेक टाइम, ये चीज़ें टाइम लेंगी। लेकिन क्या हम हमारा जो इम्पोर्ट है उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, चाइना की बजाय कहीं और से हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। तो हर चीज़ ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के हाथ में है, क्योंकि गवर्नमेंट को इंटरनेशनल जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो फॉलो करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंज्यूमर का भी एक व्यू पॉइंट रहेगा, जो कंज्यूमर्स हैं, हम लोग हैं, आम आदमी हैं, वो कितना चाइनीज़ प्रोडक्ट को प्रिफर करते हैं। दिस इज़ अगेन अ मेजर फैक्टर। तो चाइना के साथ हमारे इतने ख़राब रिश्ते हुए लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा कंज्यूमर चॉइस पे, यही ये डेटा हमें बताता है। 100 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो चाइना हमें एक्सपोर्ट करता है? आप देखेंगे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, फॉलोड बाय द केमिकल प्रोडक्ट्स। इंडिया चाइना को क्या भेज रहा है? तो कोई हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स यहाँ पे नहीं है, मिनरल ऑयल, केमिकल प्रोडक्ट्स और ये सब चीज़ें हैं, और हाई वैल्यू प्रोडक्ट आप देखेंगे तो वो चाइना हमें एक्सपोर्ट कर रहा है। यूएसए थोड़ा आगे निकल गया था 2019 में, यूएसए हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया था, बट अभी वापस से चाइना आगे निकल गया है, ब्लैक वाला चाइना है। 2021 में डेफिनेटली चाइना विल बी देयर एज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। इंडिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट कहाँ से कर रहा है? चाइना से कर रहा है। ये डेटा है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए। सबसे ज़्यादा हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, फॉलोड बाय द यूएसए। तो आप देखोगे यूएसए से भी ज़्यादा, जस्ट डबल हम इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से। ठीक है, फिर ये सब कंट्रीज इस तरह से आ रहे हैं। एक्सपोर्ट हम किसको कर रहे हैं? यूएस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और फिर यूएई है, चाइना को एक्सपोर्ट हमारा बहुत कम है। फाइन, दिस इज ऑल। इंडिया चाइना के बीच में रिलेशनशिप अगर आपके नॉर्मलाइज होते हैं तो दोनों को बेनिफिट होगा। एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे, आप जो है अपने कॉमन इंटरेस्ट को हाईलाइट करके जो भी डिफरेंसेज हैं स्पेशली बॉर्डर एरियाज़ के अंदर, स्ट्रेटेजिक एरियाज़ में, उनको डील कर सकते हैं और साथ में आगे बढ़ सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आते हैं। टेलीस्कोप ऑन मिलियन माइल वॉयज, तो ये आपका लॉन्च हो चुका है, वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये आपका लॉन्च हो चुका है। फाइन, और इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं ना, ये जो हबल टेलीस्कोप है उससे कैसे अलग है, क्यों इसको टाइम मशीन कहा जा रहा है, क्यों ये इतना, मतलब इसको लेके इतनी हाइप क्यों है, कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं। लेकिन नासा का जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, लार्जेस्ट मोस्ट पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप माना माना जा रहा है जो अभी तक बिल्ड किया गया है। क्या इसका काम रहेगा? इसका काम रहेगा कि जो भी यूनिवर्स की मिस्ट्रीज़ हैं, जो भी मिस्ट्रीज़ हैं यूनिवर्स की, उनको किस तरह से हम डील कर सकते हैं, ये चीज़ रहेगा। तो फाइन, किस तरह से ये करेगा, जो भी स्टार्स का फॉर्मेशन हो रहा है, गैलेक्सीज बन रही हैं, फाइन, इनको किस तरह से आप कर रहे हैं, बिग बैंग को लेके जो भी है, ये सारी मिस्ट्रीज को ये करने का प्रयास करेगा। एंड इसके रिगार्डिंग जो भी डेटा यहाँ पे मिलता है, कुछ चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है कि एक तो जो हबल टेलीस्कोप है उससे कैसे अलग है, और ये, और इसको क्यों टाइम मशीन कहा जा रहा है। टाइम मशीन तो इसलिए कहा जा रहा है, देखिए ये जो ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करेगा है ना, वो क्या है, वो आपके बहुत बहुत दूर है, ये लाइट ईयर्स के अंदर है, और वो भी ऐसी इवेंट्स को ये ऑब्जर्व करेगा, उन चीज़ों को वो देखेगा जो कि काफ़ी सालों पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जो कि हो चुकी हैं। क्योंकि लाइट को ट्रेवल करने में क्या लगता है, टाइम लगता है। जैसे यहाँ पे कोई इवेंट हुआ होगा या कुछ भी हुआ होगा, तो वो इतने लाइट ईयर्स अवे है हमारे से, है ना, मान लीजिए लाखों लाइट ईयर्स दूर है या जो भी है,
उसको यहाँ पे पहुँचने में जो टाइम लग रहा है, तो एक्चुअली ये जो ऑब्जर्व करेगा टेलीस्कोप, वो क्या करेगा, पुरानी इवेंट्स को ऑब्जर्व करेगा, पुरानी इवेंट्स को ऑब्जर्व करेगा, और जितना दूर तक ये देख पाएगा, जितना दूर तक देख पाएगा, उतना ही हम क्या कर पाएंगे, हमारा जो पास्ट है या जो पहले की जो चीज़ें हो चुकी हैं टाइम के अंदर पीछे जो भी चीज़ें हुई हैं उनको हम देख पाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। अब ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, ये क्या प्राइमरली इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, और जो हबल टेलीस्कोप था वो क्या था, प्राइमरली अल्ट्रा वायलेट और विजिबल रीजन्स के अंदर आपका फोकस कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इंफ्रारेड है और अल्ट्रा वायलेट है, इसका रीज़न ये रहेगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपके वेव्स होती हैं ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं, जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उतना ही ये क्या करेगी, एनर्जी को लूज़ करेगी, एनर्जी लूज़ करेगी तो उसकी वजह से इनकी वेवलेंथ इंक्रीज होगी। तो अल्ट्रा वायलेट जो वेव होती है ये स्लोली मूव करती है विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में और फिर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, एंड फर्दर वीकन टू द माइक्रोवेव रेडियो वेव्स एज इट लूज द एनर्जी, जैसे जैसे एनर्जी लूज करती है तो ये आगे आगे स्पेक्ट्रम में मूव करती जाती है। तो यहाँ पे अगर हम इसको इंफ्रा रेड पे स्टडी करते हैं, ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि हम काफ़ी दूर तक इसको स्टडी कर सकते हैं ना, काफ़ी क्योंकि ये वीक हो जाएगी, लेकिन अल्ट्रा वायलेट वाली जो रेज को आप स्टडी कर रहे हो हबल के अंदर वो इंफ्रारेड को स्टडी नहीं कर पाएगा, लेकिन ये इंफ्रारेड को स्टडी कर रहा है, मतलब ये जो ज़्यादा दूर लॉन्ग डिस्टेंस है वहाँ तक ये चीज़ों को देख सकता है। एबिलिटी टू लुक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है, ये और ज़्यादा यूनिवर्स में डीप देख सकता है और आगे तक जा सकता है। दिस इज द मेजर क्राइटेरिया हियर, जिसकी वजह से जेम्स वेब टेलीस्कोप को इतना हाईलाइट किया जा रहा है। बेसिक चीज़ें ध्यान रखिए, और इसके अंदर एक और यहाँ पे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज़ें हम जो डिस्कस कर रहे हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसे कहाँ पे जो है पार्क किया जाएगा, ये जो आपका जा रहा है जेम्स वेब टेलीस्कोप, पोजिशन मच डीपर इन टू द स्पेस अबाउट ए मिलियन माइल्स फ्रॉम अर्थ एट स्पॉट नॉन एज L2। L2 जो स्पॉट है यहाँ पे इसे प्लेस किया जाएगा। ये बेसिकली L2 क्या है, एक तरह का लैग्रेंज पॉइंट है, ये जो लैग्रेंजियन पॉइंट्स होते हैं इसमें क्या होता है, आई होप ये आपको पीछे दिख रहा है, तो मेरे पीछे आपको दिख रही है L1 L2 करके। तो ये जो लैग्रेंज पॉइंट होते हैं साइंटिस्ट के नाम पे एक ये दिया हुआ है, ये ऐसी लोकेशन होती है जहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल होता है दो लार्ज बॉडीज़ का, वो बैलेंस हो जाता है, एक दूसरे से बैलेंस हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे सन है अर्थ है तो इनका ये बैलेंस हो जाएगा, जैसे ये L1 है यहाँ पे हो गया L4 है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ग्रेविटेशनल पुल बैलेंस रहेगा, तो कोई भी चीज़ ये एक तरह से क्या हो गया, पार्किंग स्पॉट्स हो गए, आपका पार्किंग एरिया हो गया, पार्क स्पेस के अंदर अगर किसी को आपको पार्क करना है क्योंकि ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इजीली उसको बैलेंस मिल रहा है, एक इक्विलिब्रियम मिल रहा है, बिकॉज दोनों का ग्रेविटेशनल पुल इक्वल है, इस वजह से इन पॉइंट्स को प्रिफर किया जाता है। अब ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है इसको ये L2 पार्ट जो दिख रहा है ना सन और अर्थ के बीच में, यहाँ पे प्लेस किया गया, रीज़न क्या है कि सन से आने वाली जो हार्मफुल रेज है उससे ये प्रोटेक्ट हो जाएगा, अर्थ की वजह से ये प्रोटेक्शन इसको मिल जाएगा, ये जो यहाँ पे लिखा है ना इन्होंने L2 पे रखा गया है, दिस इज द रीज़न L2। इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेस क्रिएट ए पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जहाँ पे स्पेस क्राफ्ट को हम पार्क कर सकते हैं कोई भी ऑब्जर्वेशंस के लिए, तो ये जेम्स वेब टेलीस्कोप को L2 के अंदर रखा गया है, लैग्रेंजियन पॉइंट्स क्या होते हैं पूछा जा सकता है, और L1 L2 L3 के अराउंड जो ऑर्बिट है उसे हेलो ऑर्बिट भी कहते हैं, ये आपको जो एरिया दिख रहे हैं L1 L2 L3 यहाँ पे ये जो ऑर्बिट है, अब L2 के पास में आपको ये ऑर्बिट दिख रहा होगा, लेट मी जस्ट क्लियर द स्लाइड, L2 के पास ये आपको ऑर्बिट इस तरह से ये दिख रहा है, ये क्या कहलाती हैं, हेलो ऑर्बिट कहलाती हैं, कई जगह पे आप इस वर्ड को पढ़ेंगे हेलो ऑर्बिट, दिस इज द मीनिंग हियर। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है, स्टडी ऑफ डिस्टेंस डिस्टेंट मैग्नीटार रिवील्स फैसेट्स ऑफ एग्जॉटिक स्टार। तो ये क्या है, इन्होंने एक स्टडी की है बहुत ही दूर जो मैग्नीटार मिल रहा है उसके ऊपर, और जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें इनको जानने को मिली है। पहले मैग्नीटार को हम समझते हैं फिर इस न्यूज़ पे आएंगे कि क्या ये स्टडी कर रहे हैं, मैग्नीटार्स क्या होते हैं। देखिए मैग्नीटार एक तरह का न्यूट्रॉन स्टार होता है। कैसे बनता है, न्यूट्रॉन स्टार में क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी मासिव स्टार है, कोई भी बड़े जो स्टार्स होते हैं वो
वो जब कॉलेप्स कर जाते हैं, स्टार जो होता है, जैसे सन है ये भी हमारा एक क्या है, स्टार ही है, तो जब स्टार होता है उसका फ्यूल पूरा कंज्यूम हो जाता है, कॉलेप्स कर जाते हैं, फिर जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है ना, उसके बाद जो आपका रिजल्ट आता है, जो रिजल्टेंट होता है, तो छोटे जो स्टार होते हैं उसके अंदर आपका वाइट ड्वार्फ बन जाता है, वाइट ड्वार्फ बन जाता है छोटा सा इस तरह से। अगर बहुत बड़ा स्टार है, जैसे सन के कंपैरिजन में भी काफ़ी बड़ा है, 10 टाइम्स मोर देन सन, इस तरह के जो बड़े स्टार होते हैं उनके कॉलप्स होने से जो आपको रिजल्ट मिलता है उनको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन स्टार। और बहुत ही मासिव स्केल पे बहुत ही बड़े स्टार्स हैं, उनसे क्या बन जाते हैं, ब्लैक होल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो मैग्नीटार एक तरह का न्यूट्रॉन स्टार है, और ये स्टार्स मैनी मैनी टाइम्स मोर मासिव देन आर सन, हमारे सन से बहुत ज़्यादा मासिव होते हैं सन के कंपैरिजन में। इनका जो ल्यूमिनोसिटी होता है, जो चमक है, जो ऊर्जा ये दे रहे हैं, एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा होता है सन के कंपैरिजन। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मैग्नेटार इज़ वेरी वेरी पावरफुल। ओके, और ये क्या करते हैं, ऑकेजनली रिलीज करते हैं फ्लेयर्स विथ मोर एनर्जी इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड देन द सन इज केपेबल ऑफ एमिटिंग इन टेंस ऑफ थाउजेंड्स ईयर्स। कई बार ये क्या करते हैं, मैग्नेटार बहुत ही मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में इतनी सारी एनर्जी एमिट कर देते हैं जो हमारा सन कई हजारों सालों में भी एमिट नहीं कर पाता है। फाइन, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसको नाम दिया गया FRB करके, इन्होंने ये फास्ट रेडियो बर्स्ट नाम दिया है इसे। और ये जो रेडियो बर्स्ट होते हैं, ये क्या होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से आपके जनरेट होती हैं, इस तरह के ऑब्जेक्ट जनरेट करेंगे, जैसे कि अभी हमने मैग्नीटार पढ़ा है। दो चीज़ें यहाँ पे हमने जानी है, तो मैग्नीटार क्या होता है ना, और एक ये FRB फास्ट रेडियो बर्स्ट क्या होती हैं, कैसे जनरेट होती हैं। अब हम आते हैं इस डिस्कवरी पे, जिसमें ये कह रहे हैं कि यहाँ ये एक तरह का जो मैग्नीटार है इसको हमने क्या किया है, फर्स्ट टाइम इसके जो फ्लेयर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फ्लेयर, ये हमने मेजर किया। अब मैग्नीटार अपने आप में ही बहुत रेयर हैं हमारी गैलेक्सी में, हमने लगभग अभी तक 30 के आसपास मैग्नीटार्स जो हैं इनको आइडेंटिफाई किया है। तो ये अपने आप में काफ़ी रेयर हैं, और यहाँ पे इन्होंने इसको स्टडी किया है मैग्नीटार को, एंड दे आर बेसिकली सेइंग कि इसका ये काफ़ी मासिव है, ये जो मैग्नीटार है लगभग 10 से 25 गुना हमारे सन के कंपैरिजन में इसका मास है, 10 to 25 times है, और ये कॉलप्स होके इस तरह से न्यूट्रॉन स्टार बना रहे हैं, इनका मैग्नेटिक फील्ड भी काफ़ी ज़्यादा डेंस है, और इसकी वजह से आप देखेंगे कि इनकी ल्यूमिनोसिटी है वो बहुत ज़्यादा है सन के कंपैरिजन में, अगेन ल्यूमिनोसिटी बहुत ज़्यादा है। इरप्शन जो होते हैं मैग्नेटार्स पे किस वजह से होते हैं, इनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जब थोड़ा इनस्टेबलाइज हो जाता है, ओके, इनस्टेबिलिटी होती है, तो उसकी वजह से हमें ये देखने को मिलते हैं कि मैग्नेटोस्फीयर के अंदर इरप्शंस देखने को मिलते हैं, इसकी वजह से ये जो फास्ट एनर्जी फ्लो हो रहे हैं, दीज आर सम ऑफ द रीजन। तो ये जो पूरी न्यूज़ है इसमें क्या जानने का है, मैग्नेटार्स क्या होते हैं, FRBs क्या होते हैं, ये आप ध्यान। नेक्स्ट आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे ये डिस्कवरी की है, जैपनीज प्रोफेसर हैं जिन्होंने क्रिएट किया है टेली टेस्ट स्क्रीन। तो इन्होंने एक इस तरह की टीवी स्क्रीन को जनरेट किया है, जिसको अगर आप लिक करेंगे तो आपको वो पर्टिकुलर टेस्ट आएगा ना, जो भी फूड है आइटम व्हाटएवर इट इज, उसका वो टेस्ट आपको प्रोवाइड करेगी टीवी स्क्रीन। क्या करेगी, फूड का फ्लेवर आपको देगी, फूड फ्लेवर आप उसको टेस्ट कर सकते हो। सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, बट दिस इज रियल हियर। और आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, देखिए मेटावर्स का हमने डिस्कस भी किया था, मेटावर्स का फेसबुक ने अपना नाम जब चेंज किया है उस कॉन्टेक्स्ट में हमने डिस्कस किया था मेटावर्स का जो कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है, यह आपने मूवी देखी हो, जैसे मैट्रिक्स मूवी आई थी रिसेंटली, एक और अभी आई थिंक, मेटावर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको कहा जा रहा है कि ये फ्यूचर है इंटरनेट का। इसमें क्या है, जैसे इंटरनेट नहीं था उससे पहले लोग सोच भी नहीं सकते थे कि आप अपने सामने इस तरह से छोटा सा मोबाइल लेके और किसी से भी बात कर सकते हो ना, बिना कुछ करे आराम से आप बात कर सकते हो और देख सकते हो। फाइन, वीडियो के थ्रू अभी हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, दो चीज़ें हैं जिसके अंदर आपका क्या है, वीडियो इज़ देयर एंड ऑडियो इज़ देयर, वीडियो और ऑडियो है। लेकिन अब मेटावर्स में क्या होगा, ये एक तरह की वर्चुअल वर्ल्ड रहेगा जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कुछ
उस जगह को फील कर सकते हो, है ना, वो फील है, टच है, वो आप महसूस कर सकते हो, चीज़ों को टेस्ट कर सकते हो। इसे कहा जा रहा है ये इंटरनेट का नेक्स्ट लेवल रहेगा, जहाँ पे वर्चुअल रहेंगी चीज़ें। हालांकि अभी इस पे काफ़ी काम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल साइंस फिक्शन है, पॉसिबिलिटी नहीं है, इट इज़ इंडीड पॉसिबल हियर। तो उसी से रिलेटेड है, देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, टीवी स्क्रीन से आपको फूड टेस्ट करा रहे हैं। मान लीजिए आप वर्ल्ड के किसी पार्ट में, आपको कोई इटालियन क्यूजीन टेस्ट करनी है ना, तो हो सकता है आप इस तरह की एप्स, इस तरह के गैजेट्स आ जाएं जिससे आप ये चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं। दिस इज़ इंडीड पॉसिबल। तो ये टेली टेस्ट टीवी स्क्रीन में क्या कर रहे हैं, इन्होंने बेसिकली क्या किया है, एक डिवाइस डेवलप किया है, जिसे इन्होंने कहा टेस्ट द टीवी, टेस्ट द टीवी करके डिवाइस डेवलप किया। और इसमें ये 10 फ्लेवर का यूज़ कर रहे हैं, स्प्रे का यूज़ कर रहे हैं, और ये क्या करेगा, अपने हिसाब से फ्लेवर्स वगैरह जो भी जनरेट करता है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। यूज़ क्या रहेगा, कोई भी गेम्स हो गए, क्विज हो गए, कुकिंग क्लासेस हो गई, डिस्टेंस लर्निंग के अंदर उनको डेवलप करना कि आपने जो बनाया है उसका टेस्ट कैसा है एंड ऑल। तो दिस इज़ द गोल, ओवरऑल जो गोल है वो क्या रहेगा, एक्सपीरियंसेस को इम्प्रूव करना, कि आप अगर किसी वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में नहीं जा सकते तो उस चीज़ को फील कर सकते हैं। तो मोर एंड मोर वी आर मूविंग टुवार्ड्स दीज थिंग्स, जिनको हम कभी साइंस फिक्शन मानते थे, तरफ धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे। एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज पे है। तो ये दो न्यू वैरायटीज़ हैं रोज़ की, जो एम एस स्वामीनाथन के नाम पे, इंडिया का ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर भी कंसिडर किया जाता है। तो एम एस स्वामीनाथन हैं, उनके नाम पे ये रोज़ रखा गया है। ये बेसिकली पर्पल रोज़ है, मैग्नेटा पर्पल है, और ये क्या है, हाईली डिजीज़ रेजिस्टेंट है, डिजीज़ रेजिस्टेंट। इसके अलावा एक और रोज़ की वैरायटी है, दिस इज़ ज्वेल ऑफ मोन कोम्पू, ज्वेल ऑफ मोन कोम्पू नाम दिया है इन्होंने। ये दो वैरायटीज़ हैं, बस इनका नाम ध्यान रखिए, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये क्या है, डिजीज़ रेजिस्टेंस है, डिजीज़ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये इंटरव्यू है, और किसका है, डायरेक्टर जनरल जो है नेशनल नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, वो यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, इस आर्टिकल पे आने से पहले एक बार थोड़ा सा हम बैकग्राउंड थोड़ा समझते हैं। देखिए, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है, ये क्या है, एक तरह की इम्प्लीमेंटेशन विंग है इसकी। ये आपका जो प्रोग्राम है, नमामि गंगे जो प्रोग्राम है, इसको इम्प्लीमेंटेशन करने का काम कौन कर रहा है, नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा। गंगा क्लीनिंग का काम पिछले, ऐसा नहीं है कि कोई अभी स्टार्ट हुआ है, ये आपका चल रहा है 1984-85 से, अगर हम बात करें ना 1980s से आपका के ऊपर फोकस स्टार्ट हो गया था। तो नमामि गंगे प्रोग्राम एक तरह से इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन के रूप में स्टार्ट किया गया 2014 के अंदर। इसका बजट आउटले 20,000 करोड़ रखा गया। क्या इसमें ऑब्जेक्टिव था कि हम पॉल्यूशन को बिल्कुल कम करेंगे, कंजर्वेशन और रिजुविनेशन करेंगे नेशनल रिवर गंगा का। इट इज़ बींग ऑपरेटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, और इसी के लिए नाम भी चेंज किया गया, गंगा रिजुविनेशन मिनिस्ट्री, जल शक्ति, है ना, डिपार्टमेंट एक बनाया गया गंगा रिजुविनेशन का अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब ये जो नमामि गंगे प्रोग्राम है, इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन। अब इसके मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, कि मेन पिलर्स याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर पॉल्यूशन पे क्वेश्चन आता है, क्लीन गंगा मिशन पे क्वेश्चन आता है, फाइन, तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं, इवन सिटी प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग के रिगार्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके मेजर कंपोनेंट क्या है, ये सीवरेज ट्रीटमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स कर रहा है। तो जो जहाँ जहाँ से गंगा रिवर जा रही है ना, वहाँ पे ये जो वेस्ट है, सीवेज का जो वेस्ट है, वो डायरेक्ट डंप ना किया जाए, इसलिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं, सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव इसका है। एक फिर इसके अंदर है रिवर सरफेस को क्लीन किया जा रहा है, एफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को मॉनिटर किया जा रहा है, और उसको भी ट्रीट करके ही भेजा जा रहा है। जैसे कानपुर आपने देखा होगा, कानपुर के आसपास बहुत बुरा हाल रहता था, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा रहता था, और पॉल्यूशन को मीज़र करने के कुछ तरीके होते हैं,
जैसे होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा रहेगी तो पॉल्यूशन कम होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है तो पॉल्यूशन ज़्यादा है, बीओडी अगर ज़्यादा है तो पॉल्यूशन ज़्यादा है, प्रोपोर्शनल होगा, ये इस तरह से नहीं होगा। तो बीओडी क्या होता है, बीओडी का ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि वहाँ पे पॉल्यूशन लोड ज़्यादा है, सो दिस इज़ बेसिकली प्रोपोर्शनल ही है। कानपुर पे एक टाइम पे ये बीओडी जो था 10 रहा करता था, अभी ये कम होके 4 से 5 पे आ गया है, तो इसका मतलब चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं और वहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा इन्होंने ये जो इंटरव्यू यहाँ पे हम देख रहे हैं उसमें एक और चीज़ इन्होंने मेंशन की, हरिद्वार जो है, हरिद्वार है उसका जो स्टैंडर्ड है वो क्लास ए के अंदर आ गया है, इंडियन वाटर जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसके क्लास ए में आ गया है, मतलब ये काफ़ी साफ़ हो गया है पानी हरिद्वार के अंदर। हरिद्वार हिली टाउन तो नहीं है, अब वो एक तरह से प्लेन से स्टार्ट होते हैं, गंगटिक प्लेन उसी का एक तरह से पार्ट हो गया, और काफ़ी बड़ा ये टाउन है, पिलग्रिमेज सेंटर है, पॉल्यूशन लोड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रहता था। यहाँ पे वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करना अगेन गुड थिंग। तो ये किस तरह से आपका हो पा रहा है, इन सब इनिशिएटिव्स से, 1, 2, 3, 4। फिर है रिवर फ्रंट को डेवलप करना, ये प्लानिंग का पार्ट है, प्लानिंग का पार्ट है। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना, गंगा ग्राम, ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। फाइन, यू हैव दिस नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा या नमामि गंगे प्रोग्राम के। अब हम इसको इंटरव्यू को पढ़ेंगे, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल थिंग्स, है ना, बेटर इंटरप्रिटेशन आप कर पाओगे, एनालिसिस आप कर पाओगे। क्या ये यहाँ पे इनको पूछा जा रहा है, ये कह रहे हैं कि आपको 2014 से आपका प्रोग्राम चल रहा है तो आपने कितना अचीव किया, क्या अचीव नहीं किया, इतना क्या टाइम लग रहा है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट इन्होंने किया कि 15 साल का जो टाइम है ना, या जो जितना भी टाइम है, 5 साल है, 10 साल है, ये रिवर की जो लाइफ है ना, रिवर हजारों सालों से वहाँ पे, उसकी रिवर के लाइफ के अंदर साइकिल में ये बहुत कम है, तो हमें ये जो पॉल्यूशन लोड कम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा टाइम डेफिनेटली लगेगा। हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रयास किए हैं जिसके अंदर, जैसे 160 जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं ये हुए हैं उत्तराखंड झारखंड में, एक्सक्यूज मी, उत्तराखंड और झारखंड के अंदर काम पूरा हो चुका है। फाइन, इसका जो काम है वो पूरा हो चुका है। यूपी में आपके ऑलमोस्ट 60% प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। बिहार में थोड़ा काम स्लो चल रहा है क्योंकि नए प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा थे। फाइन, और इसके अलावा ये क्या कह रहे हैं, इसके अलावा इन्होंने जो कुछ मेंशन किए डेटा, बहुत इंटरेस्टिंग से डेटा है, आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। एक तो जो हरिद्वार वाला मैंने मेंशन किया वो क्लास ए स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, वाटर क्वालिटी क्लास ए स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है। कानपुर में जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो आपका 10 से 4 पे आ गया है, ओके, दिस इज़ वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया अगेन। और जहाँ तक खर्चा करने की बात है, फंडिंग की बात है इस मिशन को, तो ये कह रहे हैं कि 1985 से 2014 तक, ये एक इन्होंने आंकड़ा मेंशन किया है, डेटा मेंशन किया है कि केवल 4,000 करोड़ रुपए गंगा क्लीनिंग के लिए दिया गया, 4,000 करोड़ रुपए। और अभी तक हमारे को जो दिया गया वो 20,000 करोड़ है, उसमें से हमने 11,000 करोड़ भी है ऑलरेडी स्पेंट, हमने ये खर्चा कर दिया, और हमने जो प्रोजेक्ट पास किए वो 30,000 करोड़ रुपए तक जा रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट इज़ बेसिकली प्रोवाइडिंग द फंडिंग, फंडिंग इज़ नो मोर ए कंस्ट्रेंट हियर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन जरूर एक इशू रहेगा क्योंकि काफ़ी सारे स्टेट से होके गुजर रही है गंगा रिवर जो है, काफ़ी सारे स्टेट से हो रही है, तो ये कह रहे हैं कि स्टेट्स क्या करते हैं, काफ़ी सारे या फिर म्यूनसिपालिटीज़ हैं, उनको हमें थोड़ा सा और मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो अच्छे से प्लान करें। वो क्या करेंगे कि अच्छा ये हमारा जुरिस्डिक्शन है म्यूनसिपालिटी, तो इस स्ट्रेच में हम पॉल्यूशन लोड डंप नहीं करेंगे, हमारा जुरिस्डिक्शन खत्म हुआ यहाँ पर डंप कर देंगे। तो अगेन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव तो आपका नहीं सॉल्व हो रहा ना, ये तो उसी तरह से है कि हाँ मम्मी पापा सामने है तो आपने पढ़ाई कर ली, जैसे ही मम्मी पापा गए आपने पढ़ना बंद कर दिया। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव आपका क्या है पढ़ाई करने का, कि आपका जो भी है एग्ज़ाम क्रैक हो, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, तो यहाँ पे गंगा क्लीनिंग का ऑब्जेक्टिव है, आपके ऊपर कोई एक्शन ना हो इसलिए आप क्या करते हैं अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर उसको डंप कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है हमें इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, और यहाँ पे स्टेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्टेट्स का बहुत बड़ा रोल है, तो एक रियल प्रॉब्लम है, और कैसे वो इसको डील कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो रिवर है उसको अपनी प्लानिंग का पार्ट बनाना पड़ेगा। फाइन, जो भी आपके टाउन्स हैं या सिटीज़ हैं वहाँ पे रिवर को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा अपनी प्लानिंग में, अर्बन प्लानिंग के अंदर, और इस तरह से प्लान करना पड़ेगा कि जो पॉल्यूशन लोड है वो रिवर के अंदर ना जाए, ठीक है, दिस इज़ द थिंग। और मीज़र आप कैसे कर रहे हो क्वालिटी, तो उसके लिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है,
और आपने एक और स्पेशल सेल यहाँ पे बना रखी है जो कि डिजोल्ड ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। डिजोल्ड ऑक्सीजन ज़्यादा है इसका मतलब पॉल्यूशन कम है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है इसका मतलब पॉल्यूशन ज़्यादा है, इन दोनों को ध्यान रखिएगा। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, ये इन्होंने बात की है मेजर चीज़ें। इसके अलावा इनको ये भी कहा गया कि कोविड के अंदर डंप की गई डेड बॉडीज़ वगैरह, तो उनको आप कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया जाए, स्टेट गवर्नमेंट्स ये इंश्योर करें कि जो जो भी सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट हैं उनको पहले से ही इस तरह से डील किया जाए, उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ और ये इंश्योर किया जाए कि रिवर के अंदर डंप ना हो, है ना। विजिलेंस इज अगेन काइंड ऑफ थिंग्स जो की जा सकती है। सो दिस इज ऑल नमामि गंगे प्रोग्राम पे डायरेक्ट क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट, दिस इज द थिंग। शुरू में गंगा एक्शन प्लान लाया गया था, फिर बाद में देखिए ये 1985 में लाया गया, फिर धीरे धीरे इम्प्रूव किया गया, फिर नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी बनाई गई और फाइनली नमामि गंगे का ये जो नमामि गंगे प्रोग्राम है ये 2014 चल रहा है। तो दिस इज ऑल सभी चीज़ें हमने डिस्कस की। टेलीग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, PDF एंड अदर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द क्लासेज विल बी अवेलेबल ऑन दिस टेलीग्राम। अपार्ट फ्रॉम दिस घर बैठे आप अपनी पूरी UPSC की प्रिपरेशन को कर सकते हैं कंप्लीट अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे, जहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, टाइम बाउंड मैनर में सिलेबस कंप्लीशन हो जाएगा, डाउट सॉल्विंग आपकी है, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, कंप्लीट सिलेबस, ऑप्शनल, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड ऑन वन प्लेटफॉर्म। इट्स अ काइंड ऑफ वन पॉइंट सॉल्यूशन फॉर योर UPSC प्रिपरेशन। ये आपके प्लान्स हैं, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कर सकते हैं एंड पुट द कोड RBLI टू गेट 10% ऑफ। सिमिलरली यू कैन गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ आइकॉनिक। लोन फैसिलिटी लिंक इज ऑल्सो देयर। ये आइकॉनिक का फी स्ट्रक्चर आपको दिया होगा, अगर केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं सो दिस इज द फी स्ट्रक्चर ओनली फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट। नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं, जो भी बच्चे 2022 2023 की तैयारी कर रहे हैं दे कैन एनरोल इन दीज बैचेस एंड कंप्लीट देयर सिलेबस। हर संडे आपका ये टेस्ट रहता है, नेक्स्ट जो है 2 जनवरी को आपका रहेगा, सुबह 11 बजे फ्री टेस्ट होता है। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इसे आप अनलॉक कर सकते हैं बाई यूजिंग द कोड। फ्री टेस्ट सीरीज का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, दिस वर्ड यू कैन यूज़।